सर, ये फिल्म हमारी ओशन पिक्चर के फिल्म के बैनर तले बन रही है और इसमें हमारे जो मेन किरदार कर रहे हैं वो विक्की सिंह का सॉन्ग है, सूरज है, रवि ऐसे करण नाम है, करण सिंह, और हमारे ये पूनम जी हैं, राम सुजान जी हैं, और एक उनका नाम क्या था, युगांत पांडे जी है। फिल्म किस विषय में बनी हुई है? सर, फिल्म में सब्जेक्ट ये गांव के बेस पे बना हुआ है और एक अच्छी मूवी और एक जो बेस होना चाहिए, जो एक भोजपुरी फिल्म की हो, चाहे किसी फिल्म की बेस होनी चाहिए अपने लिए, जो अपने यूथ के लिए हो या तो फिर अपने देश के लिए हो, वो एक बेस अपने गांव के बेस पे है कि एक लड़की आती है, वो कैसे अपने गांव को देख करके बदलना चाहती है, और जो आज पॉलिटिकल वेसेस चल रहे, जो सारी चीज़ें चल रही है, और एक जो 15 साल 20 सालों से वहाँ पर रह रहा है और उस गांव के हालात को बिगाड़ करके रखे हुए, और उसे फिर कैसे सुधारती और एक मेन धारा में ला करके एक हिंदुस्तान के नक्शे पर उस गांव को खड़ा करती है। सर, आपने कितना बड़ा रिस्क लिया है कि ये आप महिला प्रधान फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जो भोजपुरी की फिल्म बनती है उसमें एक लीड रोल एक्शन का एक्टर का होता है। एक्चुअली ये महिला प्रधान हम नहीं कह सकते, एक्चुअली वो हमने ये दिखाया कि लोग ऐसे दिखने में लग रहा है, लोगों के जब मैं कहानी रीड करता हूँ लोगों को लगता है कि महिला प्रधान है, बट महिला प्रधान फिल्म में नहीं है। लोगों को ये मतलब है कि जो हमारा हीरो है, हीरो को भी इसमें हमने दिखाया है कि उनके करेक्टर जो है एक सीधा साधा लड़का है, पता नहीं कहाँ से आया, कौन है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, बट वो पढ़ा लिखा है, डॉक्टरेट है, बहुत अच्छा रहा है, और वो गाँव के भलाई के बारे में सोचता है कि कैसे गाँव को डेवलप करे, कैसे लेकर के जाए। एक पुजारी भी है, टीचर भी है, गांव को सुधारना चाहता है, बट दूसरी तरफ एक और है। एक कहा जाता है कि राम की जो तीर थी ना, जो कही हुई है, राम की तीर थी जो चलती थी वो दिखती थी, दूसरी नहीं दिखती थी, वो दूसरी बुराई के लिए होती थी। तो हमने वही राम का हमने दूसरा राम रूप दिखाया, रघु भी, जो कि बुराइयों का भी अंत करता था। हीरो से जान लेते हैं, सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में? सर, बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, और चाहे वो शेखर जी हों, चाहे वो ललित जी हों, या हमारे कोस्टार्स, इन सब ने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत मज़ा आया। और मैं इसमें, इस फिल्म में दो शेड्स मैं प्ले कर रहा हूँ, जैसा सर ने बताया, एक राम का, एक रघु का, और बहुत इसमें टर्न ट्विस्ट है, और आई होप ये दर्शक को भी इसमें अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा उनको भी। सर, आपसे जानना चाहूँगा, फिल्म का नाम रघुराम क्यों है और कुछ क्यों नहीं रखा आपने? और रघुराम थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो जाता है अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है कास्टिज्म को लेके, वो सब अगर थोड़ा सा उस बारे में बताएं कि उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस थी। सर, सवाल मुझसे? जी मुझसे। अच्छा, बात तो ये कि रघु और राम मतलब एक जो चीज़ें हैं, एक कंट्रोवर्सी की चीज़ें नहीं है। रघु राम लोगों को देखने में लग रहा है कि मतलब हम एक धार्मिक होगा रघु, जो उनके दादा राम, वो ऐसे कुछ नहीं कहा नहीं। हमारी एक नाम है जिसका एक बच्चे का नाम रघु और एक दूसरे का नाम राम है, लेकिन है एक ही है। इसमें कंट्रोवर्सी वाला हमने चीज़ नहीं दिखाया, हमने वैसे धर्म की चीज़ें नहीं दिखाई, जो चीज़ें दिखाई वो समाज की जो बुराइयाँ हमने उसे उठा करके रखा। ना हमने रामायण को छेड़ा है, ना हमने किसी चीज़ को छेड़ा है, ना हमने किसी जाति या मज़हब किसी चीज़ को नहीं छेड़ा है। सिर्फ हमने सब्जेक्ट के ऊपर काम किया है, जो चीज़ें होनी चाहिए, जो हमारे गाँव में, देश में जो कमियाँ हैं, जो हमारे अंदर बुराइयाँ हैं, लोगों के अंदर बुराइयाँ, हमने उसको निकालने की कोशिश की है इस विषय के। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस फिल्म की एडिटिंग यहाँ हो रही है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, ये राज कंवर जी का स्टूडियो है और यहाँ से शाहरुख खान जी को लॉन्च किया था, इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी यहाँ की, यहाँ आप पोस्ट प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं? सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आए, हारने सबसे बड़ी बात है ये, और ये हमारी नहीं, ये फिल्म की किस्मत है। कहते हैं कभी कभी फिल्म बनती नहीं, बन जाती, तो शायद उसी का एक हिस्सा है जो शायद हम यहाँ पे आए। और हम चाहते थे कि इस फिल्म में जैसे जो भोजपुरी में, जब मैं फर्स्ट लुक देखा सर, जब मैं शूट कर करके आया, तो शायद मेरे भी मन में कहीं ना कहीं डर था, ये चीज़ें बैठी हुई थी, ये डर चीज़ें कि पता नहीं हमने जो शूट किया वो कैसा है, क्या दिखेगा, नहीं शायद ये मुझे कुछ पता नहीं है। बट जब यहाँ फर्स्ट लुक दिखा, जब मैं एडिट में दिखा, तो मुझे लगा कुछ तो मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि शायद हम कुछ तो अलग कर करके आए हैं, और लोगों को देखने को जो मिलेगी चीज़ें वो एक अलग हट करके मिलेगा। आप अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? और जैसे इन्होंने बताया कि भोजपुरी में लोगों की धारणा है कि हमेशा एडल्ट फिल्में बनती है और जो डायलॉग को लेकर लोग इग्नोर करते हैं, फैमिली के साथ जाते नहीं है थिएटर, तो उसके बारे में बताइए, पहले किरदार के बारे में फिर इसके बारे में। मैं इसमें टाइटल किरदार निभा रहा हूँ, राम और रघु दोनों का मैं किरदार निभा रहा हूँ।
कहते हैं ना, जैसे सर ने बताया वो जो तीर की जो उन्होंने बात की, वो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली वो क्या था कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ का जिक्र है कि राम जब भी कोई तीर अपना छोड़ते थे, एक तीर तो उसमें साक्षात प्रमाणित होता था जो हम जो लोग देखते थे, एक तीर होता था जो कि सिर्फ आपकी बुराइयों का अंत करता था और वो जो जगह खाली उसको फिल करते थे उसके लिए। प्रभु राम का सिर्फ उद्देश्य ये नहीं था कि दूसरों को मार देना, बस कि उनकी अंदर की जो बुराई उसको मार के और जो अच्छाई उसको फिलअप करना, ये उनका वो था। तो जिस तरीके से राम जो है, राम एक एक एक, एक, एक यंग लड़की की कहानी है, मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, जो कि एक PhD होल्डर है गाँव का, एक बहुत ही यंग और चामी लड़का है, और उसकी मुलाकात होती है एक फॉरेन से आई एक लड़की से, कैसे गांव को वो बदलना चाह रही है। तो दोनों का एक इक्विवेलेंट रोल है इसके अंदर, और कैसे राम फिर सब कुछ चीज़ों को बदलता है, उसको सुधारता है, और फिर जब कुछ चीज़ें उसके बद से बाहर चली जाती हैं तो श्री राम के ही दूसरे अवतार जो माने गए हैं वो परशुराम की तरह फिर रघु बन के फिर सबका इलाज भी करता है। तो वो भी चीज़ें हैं। राग, और आपने कोई आपने एक अभी क्वेश्चन पूछा था कि रघु और राम ही क्यों नाम रखा उसमें, आपको वो शायद प्रकरण याद होगा जब परशुराम जब मिलने आए थे राम जी से, दोनों एक ही अवतार थे लेकिन दोनों में आपको अलग अलग दिखा था। ज़रूरी है, अगर हम एक समाज को सुधारने की बात करते हैं तो एक व्यक्ति ऐसा हो जो कि ज्ञान दे और उस चीज़ के पहचान करे, और एक व्यक्ति ऐसा हो जो कि जो वो खालीपन है तो उसको भरे भी, वो काम रघु करता है। और रही बात फिल्म इंडस्ट्री की और जो चीज़ें चल रही हैं, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मुझे इंडस्ट्री में 8-9 साल हो गए, बट आई वॉज़ इन द बैक कैमरा, मैं कैसम पियो के चरित्र व लव और राजनीति सुर संग्राम, इसका मैं कोरियोग्राफर रहा हूं, और श्यामक दावर जी से मैं ट्रेन डांसर हूं, थिएटर मैंने श्रीराम सेंटर से किया है, मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से है, आई एम MBA ग्रेजुएट। लेकिन कहते ना, जब ये बात आई कि हम भोजपुरी सिनेमा बनाते हैं, तो मैं खुद अब इंडस्ट्री से कट रहा था। मैं ऐसे नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं बड़े बड़े फिल्म निर्माण मतलब मेकर्स को जानता हूँ जो खुद मुझे बैक कैमरा आके कहते कि ये चीज़ कर, ये चीज़ जल्दी ख़त्म कर दे, वी डोंट वांट क्वालिटी, वी डोंट, ठीक है पब्लिक को ही पसंद है, बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक जो 20% पब्लिक है आज, लोग सिर्फ उसी पे आश्रित है। 80% लोग जो कि पटना के बेली रोड में रहते हैं, जो कि कंकड़बाग में रहते हैं, या जो बड़े दिल्ली में या जो बैंगलोर में जो कि परिवार रहता है, जो बॉम्बे में जो परिवार रहता है, वो आज भोजपुरी नहीं देखता है। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि आप जो खाना उनको परोस रहे हो वो खाना नहीं है। यही सिनेमा है जो कि गंगा मैया तोरे पेरी चढ़े वो से लेकर नासिर हुसैन साहब ने, विश्वनाथ शाहबादी साहब ने, कहाँ वो इंडस्ट्री शुरुआत की थी और कहाँ ये इंडस्ट्री आ गई है, जहाँ आज रिकवर पे हम बात करते हैं कि एटलीस्ट रिकवर तो हो जाए अमाउंट, जबकि वो सिनेमा उस टाइम पे 16 लाख में बनती थी और 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ उस समय फिल्म कमाती थी। तो इसका मतलब कमी क्या है, कमी ऐसा नहीं है कि पब्लिक नहीं देखना चाहती, पब्लिक देखना चाहती है, लेकिन आप दे नहीं रहे हो, उनके पास ऑप्शंस नहीं है। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, तो उस चीज़ों को लेके हमने सोचा कि क्यों ना कुछ बदलाव किया जाए। और अब हम लोग इसको बहुत आगे ले गए, बड़े लेवल पे गए, हमने मिनिस्टर तक से बात किया। उसका एकमात्र एक ही रीज़न था कि आप अगर पंजाबी इंडस्ट्री देखें, अगर आप दूसरे भाषाओं के आप इंडस्ट्री देखें, तो वो लोग अपना एक एल्बम भी लॉन्च करते हैं तो दिल्ली आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में करते हैं, मिनिस्टर उनका वो करते हैं। हम एक पूरी फिल्म बनाते हैं, ना हम किसी कॉलेज में प्रचार करने जाते हैं, ना हम किसी मिनिस्टर से मिलते हैं, ना हम इसकी गरिमा की बात करते हैं। सरकार करे या ना करे वो उनका मैटर है, हम कोशिश तो करें, बट ऐसा हम कोशिश नहीं करते हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी ने इतनी बड़ी पहल की हो, आई एम द रेयरेस्ट वन, और ये ऑफिशियली उन सारे मिनिस्टर्स ने बोला है कि ऐसा कोई करता नहीं है। एक IAS है हमारे होम मिनिस्टर्स के, दिल्ली होम मिनिस्ट्री के मेरे रिलेशन में ही है वो, उनसे मैंने ये बात बोली थी कि आप लोग भोजपुरी सिनेमा के लिए क्यों नहीं कुछ करते, क्योंकि वो मेरे रिलेशन में है तो मैं खुल के उनसे बात कर सकता। नहीं सेड कि मेरे 10 ईयर में आज तक कोई तुम्हारे सिनेमा से नहीं आया कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए। सो मैंने कहा कि अगर मैं आऊँगा तो क्या आप ये करवाओगे, ही सेड कि ओके मैं करवाऊँगा। तो उसी कड़ी में हमने अपनी पोस्टर लॉन्चिंग BJP कार्यालय में किया था दिल्ली में, जिसमें खेमचंद शर्मा जी दिल्ली स्पोक्स पर्सन, रईस खान पठान जी वक्फ बोर्ड के प्लानिंग एंड फिनांस कमेटी के चेयरमैन, हमारे महेश पोद्दार जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट झारखंड से और फिनांस कमेटी के मेंबर हैं वो, और अपने सुनील देवधर जी जो BJP के हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं,
और मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी को मैंने कहा कि भैया अब तो तू आशीर्वाद दे दा, बोले बाबू तुम यहाँ कर लो, इससे बड़ा आशीर्वाद मिल गया, इससे बड़ा क्या चाहिए। सो लाइक इट इज़ द ओनली बिगिनिंग। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने मेकर सुन रहे हैं, कि मुझे इससे दुखी नहीं होगी अगर आज जो हम करके आए हैं अगर कल को कोई और करता है, मुझे खुशी होगी। एटलीस्ट मुझे देख के चार लोग भी वो काम करें ताकि हमारी इंडस्ट्री आगे जाए, लोग बोले कि अब भोजपुरी वाले भी यहाँ तक आते हैं। हमने शूटिंग भी की भटगाम नाम के गांव में किया, गुजरात में, जो कि ओलपाड़ तालुका में है। मोदी जी का जो ग्राम, जो अपना ग्राम योजना है अपना, उसके अंदर वो गांव आता है। तो हमने हर एक चीज़ को हाईलाइट किया है। और अभी तो क्योंकि हमने गुजरात में शूटिंग की, क्योंकि फर्स्ट फिल्म थी, रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते थे, सब कुछ एक कैलकुलेटेड रेट पे था, बट वी मेक श्योर कि हम अगली फिल्में जो है इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पे करें, बिहार में करें, वहाँ के टूरिज्म बढ़ाएं और हम हमारी कोशिश करें। मैम आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा टीम के साथ? मुझे तो सबसे पहले धन्यवाद है डीके जी का, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम मैंने काम किया इनके साथ, और 16-17 मूवी मैंने कर चुका, लेकिन पहली बार मैं, मुझे इसमें कुछ अलग स्टोरी लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन का ही मेरा काम है, ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन मैं काम करके बहुत खुश हूँ। सर सबसे पहले फिल्म के साथ जुड़ के कैसा लगा, फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए, और कौन सा पार्ट बने हैं आप फिल्म का, अगर उस बारे में कुछ बताएं। मैं इस हीरोइन के मौसा जी का रोल कर रहा हूँ इसमें, और मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा, चूँकि स्टोरी हम जब सुने शेखर जी से तो मुझे कुछ डिफरेंट टाइप का लगा, तो मुझे करने में बहुत मज़ा आया। और इसी साल से ज़्यादा भोजपुरी में मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन लोगों का प्यार मिला और इन लोगों के साथ करने के लिए मुझे मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का। आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, ओवरऑल जो है फिल्म के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, आप भी को डायरेक्टर हैं, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? क्योंकि जब जैसा मैंने बताया अभी आपको भी, इससे पहले भी हमारी मुलाकात हुई, दिलीप जी के साथ हम बैठे थे, आपके साथी जो हैं उनको भी मैं यही बात बता रहा था कि जब हम इस विषय को लेकर शुरू हुए तो हमारा जो इंस्पिरेशन था, हम चले गए 1963 में जब पहली भोजपुरी फिल्म बनी थी। नसीर साहब 10 साल तक अपनी गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो की कहानी 10 साल तक वो लेकर मार्केट में सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि हम बनाएंगे सब्जेक्ट को तो भोजपुरी में बनाएंगे। बिमल रॉय जैसे जैसे बड़े डायरेक्टर को उन्होंने कहानी देने से मना कर दिया, उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी इसको लेकर मिनिस्टर्स को, जैसे हम लोगों ने लिखी। तो हमारा जो इंस्पिरेशन था सबसे पहले वो वहाँ का था। फिर अभी रिसेंट में रवि किशन साहब ने कुछ चिट्ठियाँ लिखी थी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि भोजपुरी फिल्मों से अश्लीलता और फूहड़पन खत्म होना चाहिए, तो वो हमारा इंस्पिरेशन बना। फिर हम लोग, आपको मैं बताऊं कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो राम सुजान भैया हैं, चाहे शेखर भैया हैं, चाहे विक्की जी हैं, चाहे मैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं हिंदी फिल्मों में काम कर रहे थे। राम सुजान भैया ने तो काफ़ी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में की हैं, दबंग का हिस्सा रहे वो, और उस फ्रेंचाइजी से एक अलग ही पहचान है, हर कौन इनको नहीं जानता है। श्यामक सर को असिस्ट किया हम विक्की सिंह जी ने, शेखर भैया कोडम जैसी बड़ी वेब सीरीज़ की हिंदी की, मैंने अभी रिसेंटली एक हिंदी का म्यूज़िक एल्बम किया जी म्यूज़िक के साथ जिसका 5 मिलियन व्यूअरशिप था। तो हम लोग बैठे, लेकिन हम सब लोग कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषी थे और उत्तर प्रदेश और बिहार से ही बिलोंग कर रहे थे, झारखंड से बिलोंग कर रहे थे। हमने कहा कि अपनी मातृभाषा के ऊपर हम एक विषय बनाते हैं, एक सब्जेक्ट बनाते हैं, और क्यों ना हम इस विषय को आगे लेकर आएँ, अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएँ, अपना क्षेत्र को आगे बढ़ाएँ, हम क्यों दोयम दर्जे के बने रहें। तो एक सब्जेक्ट लिखा गया, शेखर भैया ने उसको पूरा जीवंत किया, उसका स्क्रीन प्ले लिखा, वही स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के भी राइटर है डायरेक्टर होने के साथ साथ स्टोरी मेरी रही है इसमें। ओशन फिल्म्स की आप स्टोरी समझ सकते हैं, जो प्रोडक्शन हाउस है उसकी स्टोरी समझ सकते हैं। तो एक एक करके हम लोगों ने मोती जोड़े, जैसा विकी सिंह जी ने भी बताया कि जो स्टूडियो है जहाँ हमारा पोस्ट प्रोडक्शन आज चल रहा है, इसी स्टूडियो से शाहरुख खान बने, राजकंवर जी का जो स्टूडियो रहा दीवाना फिल्म जिसमें बनी, तो दाग द फायर उन्होंने बनाई। तो एक हमारे लिए एक क्वालिटी सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम क्वालिटी को इंश्योर करें, क्योंकि जब हम प्रेजेंटर्स से मिले, दिल्ली भी गए बीजेपी मुख्यालय में जब हमारी मुलाकात हुई, तो जो पीवीआर के मार्केटिंग हेड थे उनसे हमारी मुलाकात हुई वहाँ पर प्रदीप जी से, तो उन्होंने भी ऑफ द कैमरा में यही बात बोली, ऑन द कैमरा नहीं, ऑफ द कैमरा उनसे भी रिकॉर्ड्स पर बात हुई, एक अच्छे गुड टर्म्स पर बात हुई। तो उन्होंने भी यही बात बोली कि हम कर तो दें, आपकी फिल्में रिलीज करने में, मल्टीप्लेक्स में लगाने में, पीवीआर में लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसा सिनेमा बनाओ तो सही,
आप ऐसा सिनेमा बनाते कहाँ हो, आप क्वालिटी कहाँ देते हो? और ये बात कहीं ना कहीं दिल को लगी जरूर, क्योंकि इसमें सच्चाई थी कि भोजपुरी फिल्मों में टेक्नीशियन उतने ही घंटे काम करते हैं, बल्कि ज़्यादा मेहनत करते हैं, कैमरा भी वही यूज़ होता है, तो फिर क्यों वो रिजल्ट, वो आउटपुट नहीं हम ला पाते हैं? तो शूटिंग से लेकर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन तक हमने ये कोशिश की, कहानी से, कॉन्सेप्ट से, हम हर चीज़ से हमने ये कोशिश की कि एक ऐसा सिनेमा हम लोग बना पाएँ, एक ऐसा एक्सपीरियंस व्यूअर्स को दे पाएँ कि वो जो मेरा, जैसा विक्की जी ने बताया कि हमारा जो 80% जो ऑडियंस छूट गया है, जो माताएं और बहनें नहीं देख रही हैं हमारी फिल्में, भोजपुरी से रूठ गई हैं, दूर चली गई हैं, मैं उनको वापस, हम लोग का पूरी टीम से एक ही प्रयास था, कलेक्टिव प्रयास था, एक विजन था, आज भी है और शायद आगे भी रहेगा कि उस ऑडियंस को हम लोग वापस लेकर आए। हमारी भी फिल्में कमाए ना यार, 10-10 करोड़ की कलेक्शन, 15-15, 20-20 करोड़ की कलेक्शन हम लोग की भी हो, पॉसिबल है, क्योंकि हमारा ऑडियंस बेस बहुत ज़्यादा है। बस इतना था कि एक ऑनेस्ट प्रयास की ज़रूरत थी, और उस ऑनेस्ट प्रयास को हम लोगों ने एज अ टीम कलेक्टिवली किया। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस टीम ने जिसने मैं ये कहूँगा कि कम मेहनत की, सबकी मेहनत इसमें बराबर लगी, और एक रिज़ल्ट जो अब जैसा शेखर जी ने भी बताया कि जब हम पहले दिन पोस्ट पे आए, हमारे मन में भी कहीं ना कहीं डर था कि कैसा आउटपुट निकल के आया होगा, तो एवरीवन इज़ प्रेजिंग लाइक एनीथिंग कि आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत, आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी देखें उसको, तो अनुभव बहुत अच्छा रहा, मेहनत करने वाला रहा, हमने अपने आप को झोंक दिया इसमें पूरे विषय में, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को जब रिजल्ट निकल के आए तो पसंद आई फिल्म। सर, ओशन फिल्म और कौन से विषय पे फिल्म बनाने वाली? ये आपने एक बहुत बेहतरीन सवाल पूछा। देखिए, ओशन फिल्म्स उन विषयों को उठाना चाहती है जो विषय हमारे मातृभूमि से, मातृभाषा से जुड़े हुए हैं, जिन पर कोई काम नहीं करना चाहता। हम लोग फिल्म बनाना चाहते हैं अपने इतिहास के ऊपर, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसी चीज़ है जो बिहार के अंदर नहीं है? अगर मैं पीरियडिक सब्जेक्ट की बात करूँ तो मेरे पास नालंदा विश्वविद्यालय, अगर मैं बायोपिक की बात करूँ तो मेरे पास वशिष्ठ नारायण जी जैसे लोग हैं जो मैथमेटिशियन रहे, जो नासा तक गए, जिनको अमेरिकन्स पूछते हैं, जिनको हमारी गवर्नमेंट भूल जाती है और हम लोग भूल जाते हैं। मैं बात करूँ तो मेरे पास देश के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं आज़ादी के संग्राम की बात करूँ, फिर पीरियड फिल्मों की तरफ जाऊँ, तो मेरे पास वीर कुंवर सिंह जैसे वो हैं स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने 80 साल की उम्र में अपने दोनों हाथ काट दिए, उसके बाद वो घोड़ा लेके दौड़ रहे थे नदी में 1857 के संग्राम। तो मेरे पास विषयों की कमी नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग अपनी तरफ झांकना भूल गए हैं, हम दूसरों की तरफ देखकर, हमारी पहचान एक ऐसी विषयों से बन गई है, ऐसे सिनेमा से बन गई जो हमारा है ही नहीं, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। हमारा जो मूल प्रयास है वो उस विषय को दूर करके, उस जो बादल हमें घेर लिया, जिन बादलों ने, उनको छांट कर ये जो हमारी असली संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसको सामने लाने। ओशन फिल्म्स इन्हीं विषयों पर। बताइए कि बिहार दौरे के बारे में थोड़ा सा बताइए, और आगे की क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? जब इस फिल्म के हम शूटिंग पे गए थे तभी मेरी बात हुई थी माननीय उप मंत्री जी से, बिहार के रेणु देवी जी से, और तब उन्होंने हमें पूरी टीम के साथ इनवाइट किया था। और अभी हम एडिटिंग कंप्लीट होते ही, जो हमारी एडिटिंग चल रही फिल्म की, इसकी कंप्लीट होते ही हम अभी बिहार दौरे पर निकलेंगे पूरी टीम हमारी, जिसमें हमारी मुलाकात होने वाली है माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार रेणु देवी जी, विकास वैभव जी जो हमारे होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं इस वक्त, आईजी हैं बिहार के, और हमारे कृषि मंत्री जो हैं हमारे बिहार के, और अरवल के हमारे डीएम। ये हमारा अभी तक का तय रूट है जिनसे हम इनसे मिलने जा रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल सा है कि आप प्रशासनिक मदद क्यों नहीं देते भोजपुरी कल्चर को, भोजपुरी सिनेमा को? सामने से जो मैंने पत्रचार किए या जो मैंने बात की फ़ोन पे, उनका ये रहता है कि आप लोग पहल करो, तो अब ये पहल हमने कर दी है। अब मेरा उनसे रिक्वेस्ट यही रहेगा, हाथ जोड़ के बहुत विनम्र रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर मैं बिहार में शूट करने जा रहा हूँ तो ठीक है, सब्सिडी दे ना दें वो मिनिस्ट्री का प्रॉब्लम है या वो सरकार की वो है, लेकिन क्या हमें प्रशासनिक मदद मिलेगी? क्या हम वहाँ के लोकेशन हमें फ्री किए जाएंगे? इन मुद्दों को लेके हमारी अभी बात होने जा रही है। जैसा कि हमने पहले कहा था कि पोस्टर लॉन्चिंग हमारी बीजेपी हेडक्वार्टर्स में हुई, सारे मिनिस्टर्स वहाँ पे थे। अब हम लोग फिल्म की क्योंकि एंडिंग की तरफ है, तो हम अपना जो प्रमोशंस का एक है वो हम पटना जाएंगे, चीफ मिनिस्टर साहब से बात करेंगे। इसके बाद जो हम यहाँ पे ट्रेलर लॉन्च भी करने वाले हैं आफ्टर ऑल दिस, उस ट्रेलर में भी यहाँ के सरकार के कुछ लोग रहेंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कुछ लोग रहेंगे, यहाँ के जो एनसीबी के कुछ लोग रहेंगे, शिवसेना के कुछ लोग रहेंगे, तो हम इसको छोड़ नहीं रहे।
हम लोग स्टार्ट टू एंड सबको इन्वॉल्व करके चलेंगे कि या तो इस बार आप ये प्रॉमिस करो कि सिनेमा अच्छा लेवल पे जाना चाहिए, और जब अगर आप लोग ये कंप्लेन करते हो कि आपकी फोर सिनेमा है चीज़ें, तो अब हम एक अच्छी सिनेमा बन के आए हैं, आप हमें ये हौसला दो, प्यार दो, ताकि हम आगे भी ये सिनेमा बनाते रहें। और बाकी मैं चाहूँगा कि भैया भी इस चीज़ में कुछ कहें, क्योंकि आप एक सीनियर और वेटरन हैं, बिहार से हैं, और आपने पूरे सिनेमा का दौर को बहुत नज़दीक से देखा है, तो मैं चाहूँगा राम सुजान भैया भी इसमें कुछ कहें। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है आप लोगों से, आप लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आजकल तो आप लोग जानते ही हैं भोजपुरी फिल्में काफ़ी बन रही हैं और अच्छी अच्छी बन रही है, अच्छे अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी भोजपुरी भाषा की मान्यता नहीं मिली है। मेरा ये प्रश्न है, प्रश्न ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग एज ए पत्रकार जहाँ भी जाते हैं, कम से कम जो हमसे नामी लोग हैं भोजपुरी में, हीरो लोग हैं या MP लोग हैं, उन लोग से भी एक बार सवाल कीजिए ना कि आखिर में इतनी ज़्यादा फिल्में बन रही है, आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग का सब चीज़ इसी से हो रहा है, तो इसको आप लोग क्यों नहीं गवर्नमेंट से पैरवी करते हैं कि भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में दर्ज किया जाए, या कि MP हो, MLA हो, सबसे रिक्वेस्ट कीजिए, हम लोग की एकजुट होने की ज़रूरत है इसमें, तभी इस मतलब कि लड़ाई में कामयाब हो पाएंगे। हमारी आप लोग से आग्रह है, विनती, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ साथ में आइए, आगे बढ़िए, सबको एक साथ लेके चलिए, सबकी अपनी भाषा है, बहुत मीठी भाषा है, इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे लगता है कि आप लोग की कोशिश होगी, आप लोग सब मिलके करेंगे तो हम लोग कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, आपने भी दौरा की बात की थी, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे कुछ ऐड करना चाहेंगे उसमें? मोटी मोटी जो पूरी बातें हैं वो विकी जी ने और राम सुलन भैया ने आप लोगों को बता ही दी हैं। मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहूँगा कि हम गवर्नमेंट से खुले दिल से यही अपील करेंगे वहाँ पर जाने के बाद, जितने भी लोगों से हम मिलने वाले हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा के IPS के अधिकारी हों, जिलाधीश हों, चाहे बिहार गवर्नमेंट के मंत्री हों जो एग्रीकल्चर एंड कल्चरल मिनिस्टर से, चाहे रेणु देवी जी हों जिनसे हम मुलाकात करेंगे, सबसे हमारा एक ही अपील रहेगी कि बिहार का जो सिनेमा है वो बिहार का सिनेमा बिहार की तरफ अब आना चाहिए। मतलब जो भोजपुरी का सिनेमा है जिसको उत्तर प्रदेश प्रमोट कर रहा है सब्सिडी देकर, जिसको झारखंड प्रमोट कर रहा है सब्सिडी देकर, जिसको उत्तराखंड प्रमोट कर रहा है सब्सिडी देकर, इवन राजस्थान में अब सब्सिडी मिलनी शुरू हो गई है, तो बिहार का सिनेमा जो हमारी भाषा है वो बिहार की तरफ आए, क्योंकि जब हम वहाँ शूटिंग करने जाएंगे तो रोजगार भी पैदा करेंगे, जो बिहार की इस समय एक बड़ी समस्या है। इंडस्ट्री अगर वहाँ जाती है तो वहाँ रोजगार होगा, और जिस शूटिंग स्पॉट्स पर हम लोग उसको शूट करेंगे वो टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप होंगे। तो ये बातें हम उनके सामने रखने वाले हैं कि एक कल्चर बनेगा, उस कल्चर को अगर हम स्टेब्लिश करते हैं तो उससे वहाँ की इकोनॉमी को भी फायदा मिलने वाला है, इकोनॉमी को भी पुश मिलने वाला है। नहीं है, जैसे रीजनल भाषा की और भी मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे मल्टीप्लेक्स में जगह मिलता है और भी भाषाओं का, मैं किसी भाषा को लेकर नहीं चल रहा, तो एक इतनी फिल्में जब मेरी भाषा की भोजपुरी बोले तो उसको मल्टीप्लेक्स में जगह मिलना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं मिली। और ये बात हमने महेश पोद्दार जी के सामने बोला भी था इस बार जब हम लोग गए थे, तो हमने पूरी कोशिश की थी, और उनके सारे उनके लोग थे, हम उनकी भी थे और ये भी थे, सारे लोग थे, हम लोगों ने बोला उनके सामने कि हमें मिलनी चाहिए। यस, एंड देयर इज अ वेरी सीरियस इशू, कि बहुत शर्म की बात है वैसे हमारे लिए कि 1962 से हमारी फिल्में बन रही हैं ऑन रिकॉर्ड। 26 फरवरी 1962 को हमारी पहली फिल्म रिलीज हुई, गंगा मैया तोहे पियरे चढ़ेबू, तब से लेकर हमारा लगभग 60 सालों का इतिहास हो गया, और 60 सालों का इतिहास को कोई जगह नहीं है राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय में। कोंकणी फिल्मों को है, असमिस फिल्मों को है, भोजपुरी का कोई इतिहास, हमारा कोई इतिहास ही नहीं है। ये आई थिंक बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जो सिनेमा का जो संग्रहालय है उसमें भोजपुरी का कुछ इतिहास ही नहीं है। ये कुछ ऐसे विषय हैं जो हम उनके सामने रखेंगे और उनसे समर्थन की आशा भी रखेंगे, क्योंकि वो हमसे अगर ये पूछते हैं कि आपने क्या किया है, तो हमारे पास हमारा एक अच्छी फिल्म, हम लोगों ने प्रयास किया है एक अच्छे सब्जेक्ट।